पटियाला विधानसभा के छावला वार्ड में पहुंचे हैं आज हम, और यहां पर देख रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं फार्म्स लैंड शौकीन, ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, ये जो ऑफिस है, हम आपको बता दें कि रघुविंदर शौकीन का ये ऑफिस है, और यहां आज हम मिलने जा रहे हैं रघुविंदर शौकीन जी से, जो जिन्होंने दावा किया है कि छावला वार्ड 39S से कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम आपको दिखा दें उनका ऑफिस, की ये ऑफिस है इनका, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पेड़ पौधे से लेकर बड़ा ही एक आलीशान ऑफिस इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी गाड़ियाँ फॉर्चूनर लाइन से खड़ी हुई हैं। और साथ ही अब थोड़ी देर में हम मुलाकात करेंगे रघुविंदर शौकीन जी से और पूछेंगे उनसे कि किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव की प्रक्रिया में आगे आए हैं वो, और छावला वार्ड को क्या देना चाहते हैं। कांग्रेस से दावेदार प्रत्याशी रघुविंदर सिंह शौकीन जी के यहाँ हम पहुँचे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि छावला वार्ड में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने की आसार हैं उनके, और किन किन बातों को लेकर जनता से मांगेंगे वोट। सर बहुत बहुत स्वागत है GNN न्यूज़ में। नमस्कार जी। सर चुनावी दौर शुरू हो चुका है, सन 2022 आ चुका है, और अब MCD के चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे में फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं। धन्यवाद ओमपाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले पाँच साल में BJP के हमारे ये काउंसलर पवन शर्मा जी ने, मतलब कोई एक काम ऐसा बताएं, उल्लेखनीय काम जो इन्होंने किया हो। पर्टिकुलर मैं सबसे पहले अपने गांव से बात करता हूँ। गांव की जो आउटर फिरनी है वो आप जाकर देखो, बिल्कुल उसकी खस्ता हालत हो रही, वहाँ पे पानी की निकासी नहीं है। मतलब एक एक हफ्ता लोग परेशान हो जाते थे, घरों में पानी घुस जाता है आउटर फिरनी पे, जहाँ वो स्कूल से एंटर करते हैं गांव में, वहाँ पे देखो। फिर इनको फ़ोन करके हम बात करते हैं तो ये 3-4 दिन तो ये उसके बाद गाड़ी पहुँचने में लग जाती है उसकी पानी की निकासी के लिए। लोग इतने परेशान हैं कि पूछो मत। 5-5 दिन से कूड़ा नहीं उठता, 2 गाड़ी भेज देते हैं। इतना बड़ा गाँव, इतना बड़ा क्षेत्र है, तो ये किस आधार पर कह रहे हैं कि भी हम इतना काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। रघुविंदर साहब, ये तो आपने गांव की फिरनी के बारे में बताया, अगर वहीं बात करें हम, श्याम बिहार सेकंड की बात करें, कुतुब बिहार की बात करें, सूर्या बिहार की बात करें, तो इन क्षेत्रों के बारे में, इन क्षेत्रों में भी आप देखो वहाँ पर कोई शिविर की व्यवस्था तो है नहीं, वहाँ भी बुरा हाल है। वहाँ जो 100 गज के मकान में जो बेचारा गरीब आदमी, एक आम आदमी रह रहा है, तो उसको अपना पर्सनली वो सेप्टिक टैंक उसने बनाए हुए हैं अंदर ही, तो उसको सफाई के लिए पहले 500 रुपये में वो उनकी सफाई हो जाती थी। आज ये हाल है कि वो 1200 रुपये मांग रहे हैं, 1200 रुपये फीस डबल हो रही, लेकिन मजबूरी है, लोगों को करवाना पड़ रहा है। अगर वहाँ पे अच्छी तरह से पानी की निकासी हो और वो शिविर बनाए जाएँ तो लोगों को इस तरह का सामना तो नहीं करना पड़े। रघुविंदर जी, ये आपने सही कहा है कि मैंने अभी पीछे मुद्दा भी उठाया था कि सेफ्टी टैंक को लेकर जो मुद्दा था वो ये था कि 600 रुपये 500 रुपये का जो खर्चा हुआ करता था लोगों का, वो लोग अब 1200 रुपये देने के लिए मजबूर हैं और उनको सफाई करानी ही पड़ती है। और ये बात मैंने पीछे मौजूदा पार्षद से भी कहा था, तो उन्होंने भी कहा था कि ये हमारे अंडर नहीं आता है। तो ये समझ नहीं आता है कि अब विधायक क्या करते हैं और पार्षद क्या करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिस्ती तो जनता ही है। अब जनता की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल आपके रुझान कैसे हैं और लोगों में आपकी पकड़ कैसी है? भाई साहब, जनता बिल्कुल इनसे परेशान है। ये भ्रष्ट सरकार है BJP की, MCD में जो 15 से 20 साल इनको होने को जा रहे हैं। और आप जाके देखो कॉलोनी में कोई गरीब आदमी अपना घर बना के रहता है, मतलब आप एक ईंट नहीं लगा सकते उससे पहले इनके जेई पहुँच जाते हैं। भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि आप खुद को भी 50 गज 100 गज का प्लॉट लोगे आपको पता लगेगा कि क्या हाल है। बहुत सारे खुलासे और बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं जब एक ही वार्ड में हम जाते हैं और कई नेताओं से बात करते हैं। कुछ नेता अपनी तारीफें ठोकने में कमी नहीं छोड़ते, लेकिन कुछ नेता यही बताते हैं कि क्षेत्र में काम हुआ ही नहीं है, लेकिन लोग बताने के लिए कुछ भी कहें। फिलहाल रघुविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं, अब इनसे बात करते हैं।
अब की बार पुख्ता तरीके से चुनाव लड़ने के लिए आगाज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से? बिल्कुल पुख्ता तरीके से आगाज कर रहे हैं और दावेदारी ठोक रहे हैं जी, जीत के साथ, भारी बहुमत के साथ हम विजयी होंगे। अच्छा एक बात बताइए कि बैकग्राउंड की अगर बात करें तो पीछे से आपका क्या सिस्टम था, पारिवारिक किस तरीके से थे और क्यों आप इस राजनीति में आना चाहते हैं, क्या इसकी वजह रही है? देखो मेरे फादर 1968 में, हम तो जब पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम गांव के, मैं इलेक्शन लड़ा, प्रधान रहे, कांग्रेस से ही बिलोंग करते थे, पूरा परिवार ही हमारा कांग्रेस का इंदिरा गांधी के टाइम से था। और अब जब हमने 2007 में भी इस राजनीति में प्रवेश किया था, उस टाइम मौका नहीं मिल पाया, कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दी गांव में, तो उस टाइम राजपाल नंबरदार इंडिपेंडेंट खड़े हुए और गांव का इतना सहयोग और योगदान रहा तो इंडिपेंडेंट जीत के आए। 2012 में फिर यहां पर रिजर्व होगी सीट, 17 में भी फिर हमने कोशिश करी थी लेकिन उस टाइम भी नहीं मिल पाई, वो कोटे की वजह से वहाँ चली गई, पूर्वांचली कोटा था, मिश्रा जी के पास गए, बोले एक टिकट तो हमें देनी पड़ेगी, तो वो कई बार सरगम चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि नहीं मिल पाते, वो तो ऊपर किस्मत की बात होती है, अपना काम तो कोशिश करने का है और आज बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ तो भारी बहुमत से अगर ना जिताया तो आप फिर दोबारा मेरे से बात करना ओमपाल जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी है और बीजेपी के रहते हुए भी अभी आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी 3 बार से और उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए, कभी 13,000 करोड़, कभी 26,000 करोड़, और फिर भी इस हमेशा घाटा ही दिखाती आई है और हमेशा फंड का अभाव बताने के कारण लोगों के साथ सही से सहयोग ना कर पाने की बात करती आई है। अब उन सब चीज़ों का अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के रघुविंदर शौकीन आगे आ रहे हैं छावला बाढ़ से और कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता को अब उनकी समस्याओं का समाधान करके दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली।